लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण को लेकर निकाली गई स्वच्छता रैली, जिलाधिकारी और उप विकास आयुक्त ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई। बेतिया जिला समाहरणालय परिसर से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति पश्चिमी चंपारण बेतिया के सौजन्य से स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसमें दर्जनों कूड़ेदान सहित ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण कुंदन कुमार एवं उप विकास आयुक्त अनिल कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सूखा कचरा और गीला कचरा के निपटारा के लिए सभी पंचायतों में कूड़ेदान युक्त वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अभी हम लोगों के द्वारा ये सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत जो फेज़ टू है उसमें आज से 10 सितंबर से एक महाअभियान के रूप में इसे शुरू किया गया है और ये पूरे बिहार में किया जा रहा है और हम लोग इसको वृहद तौर पे इसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों से हम लोगों की यही अपील है कि आप लोग इसमें भी अपना सहभागिता निभाएं और अपने घरों का जो भी कूड़ा कचरा है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में जिन जिन पंचायतों का भी चयन हुआ है कम से कम वहाँ पे हमने जो शुरुआत की है उसको सार्थक बनाने के लिए आप लोग भी इसमें सहयोग दें और जो भी कूड़ा कचरा है अपने घरों में जो भी इस तरह से आ रहा है सॉलिड हो लिक्विड हो वो जो विभिन्न सरकार के द्वारा जो विभिन्न स्कीम्स जारी किए जा रहे हैं उनके अंतर्गत उसका प्रयोग करते हुए उसको डिस्पोज करें, जिससे हम लोग अपने गाँवों को भी उसी प्रकार से स्वच्छ बना सके जैसे कि हम लोगों ने ODF घोषित वगैरह सब कुछ किया।